हेलो दोस्तों, दिस इज़ अजाज इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर इंस्टाग्राम पर आपके 100 फॉलोअर्स है तो डेफिनेटली आपको ग्रे टिक और ब्लू टिक मिल सकता है, पर उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया और कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टाउन हॉल 2010, ओके, टिकी की तरफ से इसके कुछ ब्लू वी अपग्रेड के रूल्स आए हैं जो कि अक्टूबर 31 से लागू हो जाएंगे, आप भी जानते हो, ओके। तो उसके लिए ब्लू वी अपग्रेड पॉलिसी इफेक्टिव फ्रॉम द अक्टूबर 31। हाउ कैन वी ग्रेवी क्रिएटर गेट द ब्लू वी वेरिफिकेशन? आपको कुछ काम करना पड़ेगा जब आपको ग्रे टिक से डायरेक्टली ब्लू टिक दे दिया जाएगा। उसके लिए आपको टॉप 100 वीडियोस व्यू रैंकिंग में 34 स्लॉट दिए गए हैं। 34 स्लॉट उन लोगों को दिए गए हैं जिनके वीडियोस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आता है, मतलब 10 वीडियोस पे व्यूज़ सबसे ज़्यादा आएंगे, उसमें से 100 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, उसमें से 32 लोगों को डायरेक्टली ब्लू टिक दे दिया जाएगा। एवरी मंथ टॉप 10 वीडियो व्यूज़ विल बी कैलकुलेटेड। हर महीने 10 लोगों को 10 वीडियोज़ के व्यूज़ को काउंट किया जाएगा, ओके। टॉप 3 ऑन द फैमिली गिल्ड लीडर बोर्ड, देखिए 3 लोगों को जो फैमिली गिल्ड लीडर बोर्ड में टॉप रैंक पर है लीडर्स लोग, 3 फैमिली को डायरेक्टली ब्लू टिक दिया जाएगा। उसके बाद होस्ट लीडरशिप, इसका मतलब यह है हॉट लीडर्स बोर्ड में जो लाइव आते हैं टॉप मंथली होस्ट में टॉप पर रहते हैं उनमें से 3 लोगों को डायरेक्टली ब्लू टिक दे दिया जाएगा। टिकी सिलेक्टेड टैलेंट, देखिए अगर आप में कोई टैलेंट है, आपके वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, तो वो टिकी टीम की तरफ से है कि भाई 10 लोगों को उसमें से ब्लू टिक दिया जाएगा। मतलब ऐसे स्लॉट्स जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें से टोटल यहाँ पर 50 स्लॉट्स है, 34 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 10 50 स्लॉट्स दिए गए हैं, ओके। कैंपेन टॉप क्रिएटर, क्रिएटर हु गेट वायरल ऑन फॉर यू पेज, देखिए कुछ वीडियोस ऐसे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं फॉर यू पेज पर, तो उनको भी ब्लू टिक दे दिया जाएगा। ये तो सब ब्लू टिक से रिलेटेड है, पर ग्रे टिक वालों के लिए क्या है, ग्रे टिक किस तरीके से आपको मिलेगा उससे रिलेटेड मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। हाउ टू गेट ग्रेवी, ग्रेवी कैसे मिलेगा आप भी जानते हो, आपको कम से कम 5 वीडियो पोस्ट करने जो कि 540 पिक्सल होना चाहिए, हर वीडियोस में आपको 3000 व्यूज आना चाहिए। ऐसे एक वीडियोस पे 3000 व्यूज, दूसरे वीडियोस पे 3000 व्यूज, 3, 4, 5 वीडियोस में 3000 व्यूज आ गए, आपका होस्ट पे जाकर रिव्यू होने के बाद डायरेक्टली आपको ग्रे टिक दे दिया जाएगा, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे आपके कितने भी फॉलोअर्स हो, आपको बस ये क्राइटेरिया करना है और डायरेक्टली आपको ग्रे टिक मिल जाएगा। अब इसके साथ साथ डाउनग्रेड पॉलिसी भी है, जिस तरीके से आपको अपग्रेड किया जाता है, और इस सब चीज़ में आपका टैलेंट दिखना चाहिए, आपका हाई क्वालिटी वीडियोस होना चाहिए, 9x16 होना चाहिए, उसके साथ साथ 12 सेकंड से बड़ा वीडियोस होना चाहिए। 20 यहाँ पर आपको दिखाया गया डाउनग्रेड पॉलिसी, नो वीडियो विथ व्यू मोर देन 3K इन 1 मंथ। अगर आपको ग्रे टिक मिल गया है उसके बाद अगर आपके वीडियोस पर एक महीने में कोई भी व्यूज, वीडियोस पर 3000 व्यूज नहीं आ रहे तो आपको डाउनग्रेड कर दिया जाएगा, एक महीने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके साथ साथ 2 महीने में लगातार आपने 20 वीडियोस का वायलेशन किया है, एक महीने में 10 मान के चलो, या कभी कभी ऐसा होता है एक महीने में हमसे 5 हो जाते, दूसरे महीने में 15 हो जाते, तो 20 वीडियोस से अगर ज़्यादा होते या 20 वीडियोस भी वायलेशन करते हो तो आपको डायरेक्टली डाउनग्रेड कर दिया जाएगा, मतलब ग्रे टिक आपका हटा लिया जाएगा। तो ये सी गलती नहीं करना है। हु कैन बी कनेक्टेड टू फॉर ब्लू वी ग्रेवी, कौन कनेक्ट हो सकता है ब्लू वी और ग्रे टिक के लिए? ब्लू वी क्रिएटर हायर देयर डेडिकेटेड मैनेजर, देखिए ब्लू टिक के पास या ग्रे टिक के पास एक डेडिकेटेड मैनेजर रहता। टिकी क्रिएटर टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आप क्लिक करके आप डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं, या डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर जाके टिकी ऑफिशियल टाइप करेंगे तो वहाँ पर भी जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द लेटेस्ट पॉलिसी इवेंट्स एंड ट्विटर आर शेयर रेगुलरली इन दिस ग्रुप, ये ग्रुप में सबसे ज़्यादा आपको बताया जाता है उससे रिलेटेड, ओके। यहाँ पर देखिए आपको कुछ और चीज़ें, कैटेगरी सॉर्टिंग ऑफ कंटेंट, कैटेगरी वेरिफिकेशन इज ओनली अवेलेबल फॉर ग्रेवी एंड ब्लू वी। कैटेगरी बहुत बार सिलेक्ट करते हैं लिपसिंग से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, मेलो ड्रामा हो गया है या शॉर्ट फिल्म हो गया, ये कैटेगरी इन लोगों को दी जाती है जिसे ग्रे टिक या ब्लू टिक है। कीप पोस्टिंग मोर वायरल वीडियो टू बी अपग्रेडेड टू ग्रेवी, देन यू कैन सिलेक्ट कैटेगरी वेरिफिकेशन। अच्छे वीडियोज डालते जाइए, 3000 व्यूज लेकर आइए 5 वीडियोज में, डायरेक्टली आपको ग्रे टिक दे दिया जाएगा, उसके बाद आपकी कैटेगरी भी वेरीफाइड हो जाएंगी। एंड अनऑफिशियली व्यू सपोर्ट, और उसके बाद आपको ऑफिशियली तरीके से व्यूज़ का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कैटेगरी पे डिपेंड करते हैं कि भाई किस कैटेगरी से रिलेटेड उनको वीडियोस देखना है। डियर टिकी यूजर, टू कीप योर कैटेगरी वेरिफिकेशन मेक श्योर टू पोस्ट एटलीस्ट 60% ऑफ योर वीडियो कंटेंट इन द कैटेगरी यू अप्लाइड फॉर। अब जैसे कि डांस से रिलेटेड है तो 10 में से 6 से ज़्यादा वीडियोस है, 6 वीडियोस मेरे डांस वाले होना चाहिए, एक दो वीडियोस लिपसिंग हो सकता है, एक दो वीडियोस कुछ और के हो सकते हैं, 60% से ज़्यादा वीडियोस आपके होना चाहिए, मतलब 10 में से 6 वीडियोस से ज़्यादा आपके अकाउंट पर वीडियोस होना चाहिए जो कैटेगरी आपने सिलेक्ट किया है, वरना कैटेगरी हट भी सकती है। यहाँ पर आपको नीचे में और दिखाई दे रहा मेन कैटेगरी, देखिए इसमें कुछ कैटेगरीज दी हुई है, वो कैटेगरी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। म्यूजिक, यू कैन यूज़ योर ओन म्यूजिक टू सिंग एंड प्ले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक कैटेगरी में आप अपनी खुद की आवाज़ से, खुद के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से म्यूजिक बना सकते हो। कॉमेडी, यू मस्ट क्रिएट
फनी शॉर्ट फिल्म वीडियो विद प्लॉट्स ओरिजिनल एंड नॉन ओरिजिनल बोथ आर एक्सेप्टेड। ओरिजिनल हो या नॉन ओरिजिनल हो ये भी चल जाएगा। कॉमेडी आप किसी को हंसा रहे हो बहुत अच्छी बात है, कॉमेडी रह सकते हैं, किसी की आवाज़ पे भी आप कॉमेडी कर सकते हो या खुद की ओरिजिनल वॉइस पे भी बना सकते हैं। शॉर्ट फिल्म देखिए, क्रिएट योर वीडियोस विद प्लॉट ओरिजिनल या नॉन ओरिजिनल भी हो सकता है, दोनों एक्सेप्ट है। शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। नॉलेज आप अपने खुद की आवाज़ में नॉलेज देना, अब नॉलेज किसी और की आवाज़ में दे रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। नॉलेज की बात हो रही है तो आप अपना खुद का नॉलेज जो आपको है वो बताइए, जैसे कि मैं नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं। लिपसिंग अदर यूज अदर सॉन्ग्स और वॉइस एंड एनिमेट टू सिंग्स मोर नॉन प्लॉट परफॉर्मेंस नो मैटर व्हाट कंटेंट इज। ओके, लिपसिंग से रिलेटेड आप जो भी वीडियोस डालते हैं तो उसमें सॉन्ग्स या वॉइस आप डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। पर उसमें दो चीज़ का आपको ख्याल में रखना जरूरी है, एक तो आपके एक्सप्रेशन अच्छे होना चाहिए, दूसरे आप जो भी वीडियोस बना रहे हो उसमें एक्टिंग अच्छी होना चाहिए। ओके, नोट, सम लिपसिंग कैटेगरी क्रिएटर में कंसिडर देमसेल्फ एज म्यूजिक कॉमेडी एंड शॉर्ट फिल्म क्रिएटर। ओके, कुछ कुछ अपने आपको भाई म्यूजिक कॉमेडी या शॉर्ट फिल्म से रिलेटेड भी समझ लेते, पर लिपसिंग वालों का अलग ही कैटेगरी रहता है। रीजन ऑफ लो रीच ऑन वीडियोस, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर ये भी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के इसमें व्यूज़ कम आ रहे हैं। अब व्यूज़ कम आ रहे तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, चेक वेदर योर कंटेंट वायलेशन टिकी कम्युनिटी गाइडलाइंस। सबसे पहले तो चेक कीजिए आप जो कंटेंट डाल रहे हो उसे उसमें टिकी कम्युनिटी गाइडलाइंस का कोई वायलेशन तो नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाई रिस्क म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं करना है आपको। और लो क्वालिटी वीडियोस बार बार पोस्ट करेंगे वो भी नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है, कंटेंट इज शोन टू टिकी ऑडियंस बट दे डोंट शो मच इंटरेस्ट बाय गिविंग लाइक और फिनिशिंग द होल वीडियोस। देखिए बहुत बार आप जो कंटेंट बनाते हो उसमें टिकी की जो ऑडियंस रहती है वो पूरा वीडियोस नहीं देखती है, ठीक है, वो स्वाइप अप कर देती है या लाइक करना भूल जाती है। तो इसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि भाई आपके कंटेंट लोगों तक नहीं जाते, तो कुछ ऐसा कीजिए जिसके कारण 3 सेकंड्स तक आपके वीडियोस लोग लास्ट तक जरूर देखें। थिंग यू शुड नो, ऐसी चीज़ें जो आपको पता रहना चाहिए, फ्लक्चुएशन इन व्यूज इज नॉर्मल। देखिए फ्लक्चुएशन कभी कभी ऐसा रहता है, मेरे साथ खुद होता है, वीडियोस में कभी 20,000-30,000 व्यूज चले जाते, कभी कभी 5,000-6,000 तक रहते हैं और कभी कभी 1,00,000 तक भी जाते हैं। तो आपके साथ में भी ऐसा होता है फ्लक्चुएशन, कभी व्यूज ज़्यादा आ रहे कभी कम आ रहे, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। कैप्चर योर यूजर अटेंशन इन द फर्स्ट 3 सेकंड, मैंने जस्ट अभी आपको कहा है 3 सेकंड तक तो भी आपको कम से कम अपने यूज़र का अटेंशन कैप्चर करना है, मतलब 3 सेकंड तक लोग आपके वीडियोस देखें, उनको अच्छा लगा तो 3 सेकंड तक देखेंगे तो उसके बाद और वीडियोस आपके फॉरवर्ड पर जाते हैं। पर अगर 3 सेकंड्स में ही पसंद नहीं आया वो स्वाइप अप कर देंगे तो आपके वीडियोस का ग्रोथ रुक जाती है। एनालिसिस योर अकाउंट एंड कंटेंट, बार बार एनालिसिस कीजिए क्रिएटर हब्स में जाके एनालिटिक्स में कि भाई आपकी रीच कितनी बढ़ रही, कितने ज़्यादा आपके फैन फॉलोइंग कौन से कैटेगरी से आ रहे हैं, कितने मेंस है कितने वुमेन्स है, कब आपके वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाते हैं, कौन सा वीडियोस वायरल हुए, सब कुछ पता चल जाएगा। एंगेज विथ व्यूवर्स, जो आपके वीडियोस देखते हैं उनके साथ एंगेज कीजिए। एंगेज करने का सबसे आसान तरीका है लाइव आइए, जितना ज़्यादा लाइव आएंगे उतना ज़्यादा आपके वीडियोस फॉरवर्ड पे दिखाए जाएंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है, मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ। पार्टिसिपेट इन द ऑफिशियल कैंपेन एंड हैशटैग, जो भी ऑफिशियल कैंपेन आता है यूनाइटेड बाय क्रिएटिविटी के अंदर, हमारा त्यौहार या इसके पहले भी आया था माय तिरंगा स्टोरी, तो ऐसे जो भी यूनाइटेड बाय क्रिएटिविटी के अंदर में कैंपेन आते हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर आपको सब चीज़ें दिखाई दे रही है, थिंग यू शुड नो, ये सब चीज़ें कि अगर आपको चाहिए तो ये कैटेगरी से रिलेटेड मैं ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल देख लिए, टाउन हॉल 2010। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, ब्लूटिक मिल सकता है, ग्रेटिक मिल सकता है, आपके इसमें व्यूज़ नहीं आ रहे, कनेक्ट किस तरीके से किया जाता है आप कनेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरी कैसे सॉर्ट करते हैं, उसके साथ साथ मेन कैटेगरी कौन कौन सी है आपकी, उसके साथ साथ रीज़न जिससे आपकी वीडियोस पर व्यूज़ कम आ रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अभी मैंने इसमें पूरी चीज़ आपके लिए कवर कर चुका हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी के मुताबिक आपको वीडियोस तैयार करना है, वीडियोस बनाना है, हाई क्वालिटी वीडियोस शूट करना है और टिकी पर जितना ज़्यादा लास्ट में आप बोलेंगे 3 स्टार देके मुझे सपोर्ट जरूर करें तो बहुत अच्छी बात है, लोग आपको स्टार देंगे, ज़्यादातर आप अर्निंग कर सकते हो। तो ब्लूटिक और ग्रे टिक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ऐसे अच्छे वीडियोस बनाते जाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड और सब्सक्राइब माय चैनल अजाज इंजीनियर, ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।